मूवी की स्टोरी लाखों साल पहले से शुरू होती है, जिसमें हमें बताया जाता है यूनिवर्स ऑफ गार्डियंस दुनिया बनने से पहले पूरे यूनिवर्स पर राज किया करते थे, क्योंकि उनके पास पावर देने वाली रिंग्स थी, जिनमें से हम दो रिंग्स को देखते हैं जिनमें विल पावर और फियर होती है। विल पावर यानी कि बहुत ज्यादा ताकत रखती थी, और फियर जो डर की थी। अब फियर को काबू न करने की वजह से गार्डियंस पूरे यूनिवर्स पर 3600 सेक्टर्स बनाते हैं, और साथ ही वो ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स बनाते हैं। और फिर इन सब के सामने एक ऐसा खतरा आया जिसका नाम पैरालेक्स था। और फिर हम देखते हैं ग्रीन लैंटर्न जिसका नाम आबिनसुर था, वो पैरालेक्स को कैद कर देता है। पर तभी उस प्लैनेट पर कुछ एस्ट्रोनॉट का स्पेसशिप टकरा जाता है, और वो एस्ट्रोनॉट उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इवल पावर पैरालेक्स कैद था। वो एस्ट्रोनॉट उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगते हैं, जिस बात का वो फायदा उठाता है, और वो उन लोगों की एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है और उस कैद से साथ हो जाता है जहाँ पर ग्रीन लैंटर्न ने उसको कैद किया था। इसके बाद मूवी में 1983 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम हैल जॉर्डन था। उसके फादर मिलिट्री में पायलट थे। उसके फादर को मिलिट्री का एक जेट टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। हैल भी अपने फादर को सपोर्ट करने जाता है। वहाँ पर उसके फादर जेट में बैठने से पहले हैल को अपनी फेवरेट जैकेट देते हैं। हैल अपने फादर को एक हीरो समझता है। हैल सभी की तरह अपने फादर को देख रहा था और खुश हो रहा था, लेकिन हेल के सामने ही जब उसके फादर जेट में सवार होते हैं तो उनका इंजन फट जाता है। हेल के फादर अपने जेट को कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, मगर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। पर वो हिम्मत कर जमीन पर जेट को ले ही आता है। यहाँ से सब लोग डर कर चले जाते हैं, मगर हेल अपने फादर के पास आ रहा था ताकि वो अपने फादर को बचा सके, मगर तभी ब्लास्ट हो जाता है। हेल के फादर की उसकी आंखों के सामने डेथ हो जाती है। इसके बाद कुछ टाइम आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हेल जॉर्डन को देखते हैं जो अब बड़ा हो गया था, और वो भी अब अपने फादर की तरह फेरिस एयरक्राफ्ट में एक पायलट था। उसको उसकी कंपनी बताती है कि उन लोगों ने पायलट के बगैर ही दो जेट बनाए हैं। ये बातें सुनकर हेल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी नजर में ये बात अच्छी थी कि जेट को पायलट के बगैर कोई भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता, और वो अब अपनी बात को प्रूव करने के लिए रोबोटिक जेट के साथ मुकाबला करता है और उन रोबोटिक जेट्स के साथ अपना जेट लेकर चला जाता है, जिसमें सब बराबरी से चल रहे होते हैं। मगर हेल अपना जेट लेकर आसमान की तरफ चला जाता है, जहां पर हवा का दबाव कम होने की वजह से हेल का जेट रुक जाता है, और हेल को पीछे से ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि वो वापिस आ जाए, मगर हेल सभी ऑर्डर्स को नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ता जाता है। तभी जेट को चिल्लाते हुए उसकी नजर अपने फादर की पिक्चर पर पड़ती है, और उसको पुरानी यादें सब कुछ याद आ जाता है। और तभी हेल के जेट का इंजन ब्लास्ट हो जाता है। उसे देखने के लिए हेल पीछे मुड़ता है और अपने दोनों रोबोटिक जेट को ब्लास्ट कर देता है, और अब उसका जेट भी ब्लास्ट होने वाला था, मगर सही वक्त पर वो पैराशूट से बाहर आ जाता है। इसके बाद हेल को एयरक्राफ्ट की अथॉरिटीज, जिसमें सीईओ की बेटी, हेल के चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड कैरल भी शामिल होती है, वो सभी लोग मिलकर हेल को बातें सुनाते हैं, और जेट के तबाह होने पर कैरल हेल को सस्पेंड कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पैरालेक्स अपनी कैद से आजाद हो गया था, वो उसी ग्रीन लैंटर्न के पास पहुंच जाता है जिसका नाम आबिनसुर था, और वो पैरालेक्स की ताकतों को समझता हुआ वहां से चला जाता है। वो पैरालेक्स आबिनसुर के प्लैनेट पर जाकर उस पर अटैक कर देता है। वो ग्रीन लैंटर्न जल्दी से अपने स्पेसशिप में बैठता है और अपने बाकी गार्डियंस को बताने के लिए निकल जाता है कि पैरालेक्स आजाद हो गया है। पैरालेक्स के अटैक की वजह से ग्रीन लैंटर्न मरने वाला था, पर तभी उसका स्पेसशिप अर्थ पर समुद्र के किनारे गिर जाता है। वो मरने से पहले अपने रिंग से ये कहता है कि वो जाकर अपने पसंद के आदमी को चुन ले जिसके अंदर बिल्कुल भी डर ना हो, और अब रिंग उससे निकलकर एक काबिल शख्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उधर हेल अपने भाइयों के साथ अपने सबसे छोटे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, और अब वहीं पर वो रिंग की ताकत हेल के अंदर चली जाती है, मगर हेल इन सब बातों से बेखबर था और वो अपने भाई को गिफ्ट देकर वहाँ से चला जाता है। वो रिंग की ग्रीन लाइट हेल को उठाकर आबिन के पास ले आती है। यहाँ पर हेल स्पेसशिप को देखकर आबिनसुर की हेल्प करना चाहता था। हेल वहाँ पर उसको बचाकर उसके स्पेसशिप से बाहर लाता है, मगर आबिन वहाँ पर हेल को रोकता और रिंग देता है। वो उसको ग्रीन लैंटर्न की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि जब वो ये रिंग पहनेगा और उसके सामने बोलेगा तो वो उसको पावर देगी, और ये सब कहकर आबिन
लेकिन वहाँ पर मर जाता है। हेलप ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो एयरक्राफ्ट में काम करने वाले अपने दोस्त को बुलाता है और सब कुछ बताता है, पर तभी उन्हें मिलिट्री के जेट नजर आते हैं जो इस ग्रीन लैंटर्न के स्पेसशिप को ढूंढ रहे थे। यहाँ से हेल अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। उसके पीछे अब मिलिट्री के लोगों को अब इनकी डेड बॉडी मिल जाती है। वो उसकी बॉडी को रिसर्च के लिए सीक्रेट फैसिलिटी भिजवा देते हैं। हम वहाँ पर एक डॉक्टर लेडी को देखते हैं और उसके साथ एक डॉक्टर भी था जिसका नाम हेक्टर था। इन दोनों को अब इनकी बॉडी पर सर्च करने के लिए बुलाया गया था। अब हेक्टर जब अब इनकी बॉडी का मुआयना कर रहा था तो वो उस जगह पर हाथ डालता है जहाँ पर पैरालेक्स ने उस पर अटैक किया था, और उस जगह हाथ को घुसाने पर पैरालेक्स की कुछ ताकत हेक्टर के अंदर चली जाती है। मगर हेक्टर इन सब बातों से बेखबर था और वो अपना काम करता रहता है। उधर दूसरी तरफ हम हेल को देखते हैं जो अपने घर में रिंग पहनकर उस लैंडन के सामने बोल रहा था पावर्स के लिए, मगर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इस बात पर हेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो इतनी दूर आया है क्यों है, कि अगर काम करना ही नहीं है। इस बात पर लैंडन रोशन हो जाता है और जैसे ही उसकी ग्रीन लाइट चलती है हेल हिप्नोटाइज हो जाता है और खुद ही से पावर्स का बोलने लगता है। अब इन सब के बाद हेल के अंदर ग्रीन लैंटर्न की पावर आ जाती है। अब ये बात ग्रीन लैंटर्न के प्लैनेट तक पहुंच जाती है। हेल को ग्रीन लैंटर्न के प्लैनेट के लोग अपनी तरफ खींच लेते हैं। हेल वहां पर जाकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उस पर सारी रिसर्च की जाती है क्योंकि वो पहला इंसान था जो ग्रीन लैंटर्न था, और सब लोग इस बात को जानना चाहते थे कि उसको ग्रीन लैंटर्न क्यों चुना गया है। अब हेल को जब होश आती है तो वो ग्रीन लैंटर्न के सूट में होता है। वहाँ पर उसको फिश जैसी शक्ल वाला ग्रीन लैंटर्न भी मिलता है। वहाँ पर वो हेल को सारी बात बताता है। वो बताता है कि पैरालेक्स अर्थ और यूनिवर्स दोनों को खत्म करना चाहता है। अब वो उसको अपने साथ बाकी ग्रीन लैंटर्न के पास ले जाता है, जहाँ पर ग्रीन लैंटर्न का लीडर स्पीच दे रहा होता है। ग्रीन लैंटर्न का लीडर हेल को कमजोर समझता है। वो उसकी ताकत को चेक करने के लिए एक पावरफुल ग्रीन लैंटर्न के पास ले जाता है। वो ग्रीन लैंटर्न हेल को ट्रेन करता है और साथ ही ये भी बताता है कि रिंग की पावर से वो जो भी सोचेगा वही हो जाएगा, और साथ ही ये भी बताता है कि जितना बड़ा शख्स होगा उसको सूरज अपने अंदर खींचेगा। वहाँ पर ग्रीन लैंटर्न का लीडर भी हेल से लड़ता है और उसको पूरी तरह से हरा देता है। वो हेल का मजाक उड़ाता है और अब हेल इन सब बातों पर उदास हो जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि ये सब कुछ वो छोड़ देगा। दूसरी तरफ हम हेक्टर को देखते हैं जिसके पास पैरालेक्स की पावर आ गई थी। उसको लोगों का दिमाग पढ़ने की ताकत मिल जाती है और वो अब लोगों को तंग कर रहा होता है, और साथ ही हेक्टर के अंदर जो चेंजिंग हो रही थी उस पर भी उसने नजर रखी हुई थी। उधर हेल के जाने के बाद ग्रीन लैंटर्न का लीडर बाकी ग्रीन लैंटर्न को लेकर पैरालेक्स को मारने के लिए जाता है, मगर वहाँ पर उसी के सामने पैरालेक्स अपनी पावर से सभी की ताकत ले लेता है और उन सब लोगों को मार देता है। मगर तभी यहाँ से ग्रीन लैंटर्न का लीडर तो भाग जाता है और अपने गार्डियंस के पास आकर पैरालेक्स की शिकायत करता है कि वो उनसे ज्यादा पावरफुल है, जिस पर गार्डियंस उसको बताते हैं कि टर की रिंग हासिल करना मुश्किल था, लेकिन उन्हीं एक गार्डियंस में से पैरालेक्स ने वो रिंग हासिल कर ली थी जिसकी वजह से वो बुरा बन गया था और उसको कैद करवा दिया था, और वो अब दोबारा से अपना बदला लेने के लिए आ गया है। जिस पर ग्रीन लैंटर्न का लीडर उनसे कहता है कि हमें डर से मुकाबला करने के लिए दोबारा डर जैसी रिंग को बनाना होगा। अब गार्डियन उसकी बात को मान लेते हैं और डर की एक और रिंग बना लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एयरक्राफ्ट को उनका पसंदीदा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और उसी की खुशी में पार्टी रखी जाती है। उस पार्टी में हेल और हेक्टर भी था। जब हेल कैरल के साथ बातें कर रहा होता है तभी वहाँ पर हेक्टर आ जाता है और वो कैरल को आकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर हेक्टर के फादर आकर उसको रोक देते हैं और हेक्टर इसी बात से गुस्से में वहाँ से चला जाता है, और यहाँ पर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है जब उसे ये बात पता चलती है कि उसको आबिन सुर का प्रोजेक्ट उसकी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि उसके फादर की वजह से मिला था। अब यहाँ पर हेक्टर को शदीद गुस्सा आ रहा था। जब वो पार्टी में हेलीकॉप्टर को आते हुए देखता है तो वो अपनी ताकत से गिराने के लिए उस हेलीकॉप्टर को बेकाबू कर देता है। वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर सब लोगों पर गिरने वाला था जिसकी वजह से सब लोगों में शदीद डर पैदा हो जाता है, मगर तभी यहाँ पर हेल ग्रीन लैंटर्न में चेंज हो जाता है और वो उस हेलीकॉप्टर को एक गाड़ी में चेंज कर आराम से उसको नीचे उतार देता है।
देता है जिससे सब लोग तो बच जाते हैं, मगर क्रेन लैंडन का दुनिया में होने का पता चल जाता है। अब पैरालेक्स यहाँ पर हेक्टर से पहली बार कॉन्टेक्ट करता है और उसको क्रेन लैंडन को मारने का कहता है जो दुनिया में है। अब हेक्टर की शक्ल यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी, जिस पर उसको पकड़ लिया जाता है और एक लैब में रखा जाता है। उधर दूसरी तरफ हेल कैरल से क्रेन लैंडन बनकर मिलने जाता है और कैरल हेल को पहचान लेती है और वो उसको बताता है कि उसने क्रेन लैंडन कॉप्स को छोड़ दिया है। कैरल जब ये सुनती है तो उसको कहती है कि तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहिए था, ना कि उसको छोड़ना चाहिए था। इस बात पर वो गुस्सा हो जाती है। हेल कैरल की बातों को सोचता बाहर निकल जाता है। तभी हेल की रिंग रोशन होती है जिस बात से उसे ये पता चलता है कि कोई खतरे में है, जिस पर वो पता करने पर लैब में जाता है। वहाँ पर हेक्टर अपने फादर पर अटैक कर रहा था और हेक्टर को हेल के बारे में सब कुछ पता था कि वो क्रेन लैंडन है और वो वहाँ पर अब अपनी जेलसी में हेल से फाइट करता है। तभी हेक्टर का कांटेक्ट पैरालेक्स से होता है और वो उसको दुनिया को तबाह करने का कहता है। हेक्टर वहाँ पर अपने फादर को फ्लेम से जलाकर मार देता है और उस लेडी डॉक्टर को भी मारने की कोशिश करता है, मगर हेल उसको बचा लेता है। वहाँ पर उन दोनों के दरमियान में होती है। दूसरी तरफ हम ग्रीन लैंडन के प्लैनेट को देखते हैं जहाँ पर डर की रिंग तैयार हो गई थी और ग्रीन लैंडन का लीडर अब पैरालेक्स से मुकाबला करने के लिए तैयार था। तभी वहाँ पर हेल आ जाता है और वो इस रिंग को इस्तेमाल करने से उन्हें रोकता है क्योंकि उस रिंग को इस्तेमाल करने वाला इविल बन जाएगा और वो उन सब से अर्थ बचाने के लिए उनकी मदद मांगता है, मगर गार्डियंस और ग्रीन लैंडन का लीडर उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और अब अकेला ही हेल दुनिया बचाने के लिए निकल जाता है। अब वो सीधा एयरक्राफ्ट आता है जहाँ पर हेक्टर ने कैरल को किडनैप कर लिया था क्योंकि वो ये बात जानता था कि हेल कैरल को पसंद करता है और हेल की सबसे बड़ी कमजोरी कैरल है। जब हेल वहाँ पर आता है तो हेक्टर उसको धमकी देता है कि वो ये ग्रीन रिंग उसको दे दे वरना वो कैरल के अंदर अपना ब्लड डाल देगा जिससे वो इसके जैसी बन जाएगी। इस बात पर हेल अपनी रिंग उतार देता है और हेक्टर को दे देता है। हेक्टर उस रिंग को जब पहनता है तो वो हेल से कहता है कि वो झूठ बोल रहा था कि वो कैरल को छोड़ देगा और वो वहाँ पर हेल को मारने लगता है। जब वो उस रिंग से हेल पर अटैक करता है तो अटैक रुक जाता है, जिस पर हेल उसको बताता है कि ये रिंग खुद ही काबिल शख्स को ढूंढती है और ये अटैक वापस से हेक्टर पर हो जाता है। हेल अब कैरल को बचाता है और अपनी रिंग उठा लेता है। तभी वहाँ पर दुनिया में पैरालेक्स आ गया था और वो लोगों की ताकत को खींच रहा था जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो वहाँ पर हेक्टर को भी फजूल समझता है और उसकी भी ताकत ले लेता है, जिसके बाद हेक्टर भी मर जाता है। अब हेल पैरालेक्स से फाइट करने आता है। इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है जिसमें हेल पैरालेक्स से हार रहा होता है, मगर अब हेल पैरालेक्स के अंदर चला जाता है और उसको इस दुनिया से दूर स्पेस में ले जाता है और स्पेस में जाकर उसको वही बात याद आती है कि सूरज बड़ी चीज को अपनी तरफ खींचता है और वो अपने पीछे पैरालेक्स को सूरज की तरफ ले जाता है। हेल अपने आप को जेट में कन्वर्ट कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। पैरालेक्स अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और उससे फाइट कर रहा था। यहाँ पर हेल अपनी सारी पावर्स को यूज करता है और पैरालेक्स पर हिट करता है और उसको सूरज की तरफ फेंक देता है और खुद भी कमजोर हो गया था और वो भी सूरज में जाने लगता है, मगर तभी बाकी ग्रीन लैंटर्न आकर उसको बचा लेते हैं। वो उसकी तारीफ करते हैं और उसको अपने प्लैनेट पर ले जाते हैं जहाँ पर अब ये उनका लीडर बन गया था। वो दुनिया में आकर कैरल से मिलता है और उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर देता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ग्रीन लैंडन का पुराना लीडर जिसका नाम सिनेस्ट्रो था, वो अपनी ग्रीन लैंडन की रिंग को उतार देता है और गार्डियंस की फियर वाली रिंग को पहन लेता है और इससे उसकी आंखें येलो हो जाती हैं और उसको डर की ताकत मिल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।